हेलो एवरीवन, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, शास्त्रों में एकादशी का व्रत बहुत अधिक महत्व रखता है। यह व्रत सभी कठिन व्रतों में से एक होता है। पंचांग के अनुसार अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को इंद्रा एकादशी होती है और ऐसा माना जाता है कि इस एकादशी का व्रत रखने से विष्णु भगवान तो प्रसन्न होते ही हैं, साथ ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस एकादशी के प्रभाव से जातक को इस लोक के सुखों के साथ साथ मोक्ष की प्राप्ति होती है, यानी कि बैकुंठ की प्राप्ति होती है। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि साल 2022 में इंद्रा एकादशी कब है, इंद्रा एकादशी की पूजा का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और इस दिन कौन से काम करने चाहिए, कौन से काम नहीं करने चाहिए। तो वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों आपसे एक खास बात, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं और पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब कर दिया है उनका दिल से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, ये आपका अपना चैनल है, इस चैनल के साथ जुड़े रहिएगा और अपना प्यार हमें देते रहिएगा। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि कोई भी जानकारी छूट न जाए, क्योंकि दोस्तों आधी अधूरी जानकारी से पूरा लाभ नहीं मिलता है, इसलिए हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, प्रत्येक माह के शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की 11वीं तिथि को एकादशी व्रत रखा जाता है। अश्विन मास में कृष्ण पक्ष की एकादशी को इंद्र एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस बार इंद्र एकादशी का व्रत 21 सितंबर को है। ऐसा माना जाता है कि इंद्र एकादशी का जो व्रत है इसको करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इंद्र एकादशी के दिन व्रत और पूजा के साथ साथ इस दिन दान पुण्य करने का भी महत्व माना गया है। इंद्र एकादशी का व्रत रखने से भगवान विष्णु की पूजा करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दिन का उपवास बहुत ही फलदायी माना जाता है। इंद्र एकादशी के दिन श्री हरि विष्णु की पूजा करने का प्रावधान है। ऐसा माना जाता है कि जो इस दिन व्रत और पूजन करते हैं उन्हें इस जीवन में सुख भोगने के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। आइए अब जानते हैं इंद्र एकादशी की तिथि और पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार अश्विन माह में कृष्ण पक्ष की एकादशी की शुरुआत 20 सितंबर मंगलवार की रात्रि 9:26 पर होगी। इस तिथि का समापन अगले दिन यानी कि 21 सितंबर को रात्रि के 11:34 पर होगा। वहीं उदय तिथि के अनुसार इंद्रा एकादशी का व्रत 21 सितंबर बुधवार को रखा जाएगा। इंद्र एकादशी व्रत वाले दिन प्रातः 6:09 से सुबह के 9:11 के बीच पूजा का शुभ मुहूर्त है। इसके बाद सुबह 10:43 से दोपहर के 12:14 तक पूजा का शुभ मुहूर्त है, यानी कि व्रत 21 सितंबर बुधवार को रखा जाएगा और व्रत का पारण 22 सितंबर सुबह 6:09 से सुबह के 8:35 तक है। आइए अब जानते हैं इंद्र एकादशी की पूजा विधि। दोस्तों, एकादशी के दिन प्रातःकाल जल्दी उठकर दैनिक कार्यों से निवृत्त होकर स्नान करें और व्रत का संकल्प लें। यदि आप भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, भगवान विष्णु के शालिग्राम स्वरूप का ध्यान करते हैं और इंद्र एकादशी व्रत की पूजा का संकल्प लेकर के व्रत रखते हैं तो भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। यदि आपके घर में शालिग्राम है तो पूजा के स्थान पर उन्हें स्थापित करें या फिर विष्णु भगवान की प्रतिमा को स्थापित करें। इसके बाद गंगा जल, रोली, चंदन, धूप दीप, फल फूल ये सभी चीज़ें अर्पित करें और भगवान विष्णु की पूजा में तुलसी पत्र जरूर अर्पित करना चाहिए। लेकिन एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते ना तोड़ें। आप
एक दिन पहले तुलसी के पत्ते तोड़कर रख सकते हैं। भगवान विष्णु को पीली चीज़ों का भोग लगाएं और अंत में व्रत कथा का पाठ करें या सुनें और फिर आरती करें, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। भगवान विष्णु की पूजा के बाद ब्राह्मणों को अपनी सामर्थ्य के मुताबिक आप दान दक्षिणा दे भोजन करा के उन्हें दान दक्षिणा देकर विदा करना चाहिए। आइए अब जानते हैं कि इस दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। दोस्तों, इंद्र एकादशी का व्रत श्रद्धापूर्वक करने से मनुष्य को जन्म मरण के चक्र से मुक्ति मिलती है और इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करके फलाहार का दान करना चाहिए, फलों का दान करना चाहिए और गाय को भोजन कराना चाहिए। गाय, कोए और कुत्ते को भोजन कराना सबसे ज़्यादा सर्वोत्तम माना गया है और इस दिन भगवान विष्णु को पीले फल, पीले फूल और तुलसी दल अर्पित जरूर करनी चाहिए। इंद्र एकादशी के दिन भगवान विष्णु के शालिग्राम स्वरूप की पूजा करनी चाहिए। इस दिन बड़े बुजुर्गों का अनादर न करें, उनका आदर सम्मान करें और एकादशी के दिन चावल का सेवन भी ना करें, तामसिक चीज़ों का सेवन ना करें। एकादशी के दिन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन भी जरूर करना चाहिए। तो दोस्तों, आज का वीडियो मैं समाप्त करती हूँ। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं और इस जानकारी को आगे बढ़ाकर अपनी फैमिली में, अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिए ताकि औरों को भी इससे लाभ प्राप्त हो। और अगर आपका कोई प्रश्न है या कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे नई जानकारी के साथ, तब तक आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें और अपनों का भी ख्याल रखिएगा। जय श्री हरि, हर हर महादेव।